आज आप लोगों को यहाँ पे सबको मधु करने का मकसद, इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक मकसद है कि इस टाइम आपकी पूरी कंपनी और पूरा EHS डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? प्रॉब्लम की वजह से परेशान, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेनिंग्स के बावजूद स्टिल वही मिस्टेक्स हो रही हैं रीजन्स के अंदर। इवन बहुत सारे लड़कों की मैंने खुद मिस्टेक्स पकड़ी हैं लेकिन इग्नोर की हैं। लेकिन आज के बाद खुला ऐलान है, आज सबको बुलाने का मकसद यही है कि खुला ऐलान कर दिया जाए, आज के बाद नो मोर टॉलरेंस, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर एक्सक्यूजेस, ओनली डिडक्शंस। क्योंकि बहुत बड़ा खमियाजा को बरतना पड़ा है इस वक्त, एग्जाम में जो रिसेंट वायलेशन हुई है उसके बाद कंपनी को रेड कार्ड मिल चुका है। रेड कार्ड का मतलब क्या है? आपकी सबकॉन ब्लैकलिस्ट है वहाँ से। अब सिर्फ मिनते तरले रह गए हैं, निगोसिएशंस रह गई हैं, मुखमुखा रह गया है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा, ये सब साथ में मिल गई घंटा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मतलब करने का मकसद यही है कि आप लोगों को दोबारा से एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवा दी जाए और खुला ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद किसी बंदे को भी माफ़ी का मार्जिन नहीं होगा। बहुत सारे लड़के बाद में कह देते हैं कि यार हमारा ये मसला है, घर में मसला है, शादी होने वाली है, ठीक है, इतने सालों से मैं छुट्टी नहीं गया, मेरे तो 10 रियाल भी कट गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स बेटर कि आप टर्मिनेट हो जाएं, इट्स बेटर कि आप घर चले जाएं, बजाय इसके कि आप बुलंदी से गिर के बात करें। इट्स बेटर, सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? ये बेहतर है ना कि आप काम ना करें, आप घर बैठ जाएं स्कूल से, बजाय इसके कि आप जल्दी से जिंदगी मर जाएं या फिर आप ऐसी वायलेशन कर दें जिससे आपकी कंपनी की इज्जत खाक में मिल जाए। क्या ख्याल है, सही है गलत? सही, सही भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग का, लेकिन जो केस स्टडी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो रिसेंट इंसिडेंट पेश है लचगांव रीजन के अंदर, वो आपको बताएंगे क्यों, कैसे और कस्टमर क्या चाहता है हमसे, वो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। आज अटेंडेंस लिस्ट की रहती है सब लगा देंगे।